राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले जा रहे मुकाबले में आरसीबी के गेंदबाजों ने राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। विकेटों की तो ऐसी झड़ी लगा दी कि राजस्थान के बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज भी आरसीबी के गेंदबाजों के सामने पानी भरते नजर आए। और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 43 रन के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स ने अपने 4 विकेट गंवा दिए। लेकिन उसके बाद मैदान पर उतरे शिवम दुबे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज उनकी तूफानी पारी देखने को मिलेगी। बात है 9वें ओवर की। गेंदबाजी पर थे युजवेंद्र चहल। पहले ओवर में मात्र 1 रन देने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल जब अपना दूसरा ओवर लेकर मैदान पर उतरे तो सामने थे युवा बल्लेबाज शिवम दुबे, जिन्हें युवराज के तौर पर देखा जाता है। चहल ने जैसे ही पहली गेंद डाली, शिवम दुबे ने उस गेंद को आराम से खेला और चहल की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगा दिया। ये छक्का देखकर चहल भी हैरान रह गए। इसके बाद जैसे ही चहल ने तीसरी गेंद डाली, शिवम दुबे ने शानदार चौका लगा दिया और चहल को सोचने पर मजबूर कर दिया। चहल की अगली गेंद उन्होंने आराम से खेली, लेकिन चहल इतना डर गए कि उन्होंने उससे अगली गेंद वाइड डाल दी। लेकिन शिवम दुबे कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने अगली गेंद पर फिर एक और शानदार छक्का लगा दिया। ये छक्का इतना लंबा था कि कप्तान विराट कोहली भी देखते रह गए। हालांकि छक्का लगने के बाद विराट कोहली निराश जरूर नजर आए और शिवम दुबे ने इस ओवर में 17 रन ठोक दिए। जहां पर युजवेंद्र चहल ने पहले ओवर में मात्र 1 ही रन दिया था, वहीं दूसरे ओवर में उन्होंने 17 रन लुटा दिए। और अगर इसी तरह शिवम दुबे का बल्ला चला तो विराट कोहली के लिए टेंशन जरूर खड़ी हो जाएगी। देखना होगा कि शिवम दुबे राजस्थान रॉयल्स के लिए कैसी पारी खेलते हैं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।